मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो COVID-19 से प्रभावित हूँ। देखिए मुझे कहाँ रखा गया है आइसोलेशन के नाम पे। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आइसोलेशन के नाम पे कहाँ रखा गया मुझे। क्या ऐसे में मरीज यहाँ सही होगा या और जो ना भी मरने वाला हो भी मर जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा नजारा यहाँ का। ये देखिए, ये बेड है, ये मेरा बेड है जिसपे एक तकिया दे दिया गया है। न चादर है, न मच्छरदानी है, न कोई सुविधा है। एक बल्ब लगा दिया गया है ऊपर, न पंखा है। देखिए सबसे बड़ी खास बात, ये मरीज के लिए, कोरोना के मरीज के लिए यहाँ व्यवस्था है। ऊपर पंखा नहीं है और ये सब आपने देख लिया। हमारा बिहार ऐसे लड़ेगा कोरोना से, देख लो आप, देख लो। बाकी इधर दो चार और खाली है, मैंने उसमें बोला कि मुझे वहां शिफ्ट कर दो तो कोई मेरी एक भी नहीं सुनता है और मुझे यहाँ पर डाल रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ इधर आपको कितने खाली रूम पड़े हैं। ये देखिए, ये पूरा रूम ऐसे ही खाली का खाली पड़ा है। मैंने इसमें मांगा कि मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए पर नहीं किया गया। और आपको दिखाता हूँ जो आइसोलेशन बनाया गया है इस साइड में, ये एक आइसोलेशन है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा खाली है। इसमें सुविधाएं हैं, ये पूरी की पूरी खाली है। और आपको दिखाता हूं आगे, ये देखिए, ये आइसोलेशन वार्ड है, ये भी पूरा का पूरा खाली है। यहाँ सुविधाएं हैं पूरी। अब बताइए क्या सरकार अपनी राजनीति, सरकार जो है यही ध्यान दे रही है मरीजों के लिए? बड़ी बड़ी बातें, ये करूंगा वो करूंगा, या वो चाहती है कि ऐसा ही मरीज आए और मर के जाए यहाँ से? तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शेयर करें ताकि बिहार में महामारी फैलने से बच सके। इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस स्तर पर ये खतरा बढ़ता जा रहा है और यहाँ का पोजीशन ऐसा है अभी तक। अब आप ही बताओ, मरीज इसमें अपनी बीमारी से लड़ेगा या और यहाँ रह करके दोगुना बीमार हो जाएगा? तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की नींद खुले, जिस नींद में सोई हुई है।